जय श्री सीताराम। इन दिनों एक बड़ा ट्रैप, एक बड़ा झांसा चल रहा है जिसे लेकर के मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इनोसेंट हैं, जो जो विश्वास के साथ अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, लेकिन उन्हें बाद में ये पता चलता है कि कुंडली दिखाना तो दूर की बात है, हम और जाल में फंस गए हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से एक खुलासा मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस झांसे में ना आ पाए। झांसा क्या है, धोखा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं और मुझे ये बात बताते हैं, तो मुझे ये सब बातें पता चलती हैं। तो झांसा ये है, धोखा ये है, जालसाजी ये है, जाल में फंसाने का तरीका ये है कि आपसे ये कहा जाता है कि आप कुंडली दिखाइए और वो जो आप कुंडली दिखाएंगे उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुंडली हमें दिखा सकते हैं, ऐसा आपसे कहा जाएगा। आप बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, या फिर आपसे कहेंगे पहली कुंडली दिखाना मुफ्त है, या फिर कहेंगे जितनी अनलिमिटेड आप कुंडली दिखाते हैं वो सारी मुफ्त है, या फिर आपको ऐसी धनराशि बताएंगे कि आपको लगेगा अरे इतने कम में 51 रुपए में, 11 रुपए में कुंडली देख रहे हैं, ये क्या बात है। तो आप जो है वो झांसे में आएंगे, आप जो है उनके पास जाएंगे, उन्हें अपनी कुंडली दिखाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि माता पिता को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जो है वो निस्वार्थ भावना से आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो जब कोई व्यक्ति आपकी कुंडली देख रहा है और बिल्कुल मुफ्त में देख रहा है तो क्यों देख रहा है, कुछ तो उसे चाहिए होगा, क्या वो निस्वार्थ भावना से आपके जीवन को अच्छा करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब आप उसे फ्री में अपनी कुंडली दिखाते हैं, मुफ्त में अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो वो कुंडली देखता है, मान के चले 2 या 3 कुंडली उसने देख ली, उन 2 या 3 कुंडली में से वो एक आपकी एक नस पकड़ेगा। नस क्या, वो ये पकड़ेगा कि ये जो कुंडली दिखा रहे हैं इनके छोटे बच्चे हैं, या वो ये पकड़ेगा कि ये जो दिखा रहे हैं किसी से प्रेम करते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, अभी अभी इनका विवाह हुआ है, जो भी कुछ भी एक नस पकड़ लेगा, वो माता पिता को लेकर हो सकता है, वो पति पत्नी या बच्चों को लेकर हो सकता है, उसे पकड़ करके फिर वो ये कहेगा कि यहां पर जो है इनकी कुंडली में इस प्रकार का एक्सीडेंट का योग है, एक्सीडेंट इतना भयानक होने वाला है कि मृत्यु हो जाएगी, या फिर एक्सीडेंट नहीं तो ऐसा कहेगा कि इनकी अल्पायु है, इनकी आयु बहुत कम है, आयु कम है तो आप एक काम कीजिए, आप इस प्रकार का निवारण करवाइए, इस प्रकार की पूजा करवाइए, इस पूजा का खर्च जो है वो केवल 11,000 रुपए, केवल 21,000 रुपए, केवल 51,000 रुपए, जो भी 5,000 रुपए जो भी हो सकता है वो आपको बताएगा। और जब आपसे किसी ने कहा कि अल्पायु है, भाई यदि आप किसी अपने के बारे में किसी न्यूज को सोचकर सबसे ज्यादा डरते हैं, तो न्यूज क्या है, वो न्यूज जो है वो अपने की मृत्यु है ना। भाई आपके बेटे की नौकरी नहीं लगी, ये ठीक है, इस न्यूज ने उतना आघात नहीं किया जितना आघात ये कर देगा कि मैं कह दूं कि आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा आघात करेगा। तो ये जो है ये बहुत सबसे बड़ी न्यूज है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट करने का तरीका है, और यदि ऐसा कह दिया तो बस आपकी रातों की नींद उड़ जाने वाली है, रातों की नींद यदि आपकी उड़ जाएगी तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो ये करेंगे कि हाँ चलो ठीक है करवा लेते हैं पूजा पाठ, चलो ये करवा लेते हैं, लीजिए आप 11,000 लीजिए, 21,000 लीजिए। कई बार तो चलिए एक बार 11,000 रुपये आपने उनको दे दिया, 21,000 दे दिया, ठीक है दे दिया, उसके बाद काम खत्म। कई बार ऐसा नहीं होता कि काम खत्म, कई बार और चीजें बढ़ती जाती हैं। आपने, और ये मुझे किसी ने बताया है जो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर उन्होंने पहले हमसे रुपए लिए, 11,000 रुपए लिए, आप पूजा कर ली, उसके बाद में फिर उन्होंने ये कहा कि ये पूजा में ये समस्या हमें आई है, ये समस्या यदि आई है तो इसमें और एक गाय की या फिर भैंस की या फिर किसी भी चीज की, बकरे की आहुति या उसकी बलि दी जानी चाहिए, वो इतना का आता है, हम कुछ रुपया नहीं ले रहे लेकिन हमें वो खरीदना पड़ेगा, तो आप जो है अब ये इतना रुपया दे दीजिए, उसके खरीदने के रुपए दे दीजिए, फिर वो खरीदने के रुपए आप दे देंगे मान के चले, उसके बाद फिर और एक नई चीज बोलेंगे, यदि आपने ये नहीं किया तो अभी तक तो बच्चे का था, अब आपके पति या आपकी पत्नी या माता पिता के साथ भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप में आप न फंसिए। उसकी एक वजह तो ये भी है कि भैया यदि किसी की मृत्यु रोक ली जाती तो जो व्यक्ति 11,000 की पूजा करवा रहा है वो अपने घर की, क्या उसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, वो अपने घर में 11,000 क्या उसके पास, वो तो मुफ्त में पूजा कर सकता है,
वो पूजा पाठ करके सबको बिल्कुल अमर बना देगा। उसको तो अमर बना देना चाहिए, अपने घर में हर सदस्य को उसने अमर बना देना चाहिए। जबकि आप उसके घर में जाकर देखेंगे तो ऑब्वियसली किसी न किसी जवान की भी मृत्यु हुई होगी, वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक है। लेकिन जवान कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में, जिस परिवार में, जिस बड़े कुटुंब में किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ, कोई ऐसा कुटुंब नहीं है, कोई ऐसा बड़ा परिवार नहीं है। हाँ, तो निसंदेह ये हर किसी घर में होता है। यदि पूजा पाठ करा देने से, यदि कोई हवन करा देने से किसी की मृत्यु रोक ली जाती तो फिर तो हम ही भगवान हो गए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए मृत्यु जो है वो रोकी नहीं जा सकती। यदि आनी है तो आनी है। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हो सकता है हमें बड़ा आघात दिख रहा हो सकता है हम कोई उपाय के लिए आपसे कह दें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मृत्यु ही रोक लेंगे, मृत्यु के योग है, आप पूजा कराएंगे तो रोक ली जाएगी, समझ लीजिए ये सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा झांसा है उस व्यक्ति को। और मैं इस बारे में श्योर हूं कि उस व्यक्ति को खुद के जो गाय या भैंस काटने की, बकरे काटने की बात कर रहे हैं, उसको ज्योतिष नाम की उसको चीज नहीं आती, क्योंकि ज्योतिष वैसा कुछ है ही नहीं। और जब ज्योतिष नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास, उसके दिमाग में, तो उसे खुद नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। तो ऐसे झांसों में आप न पड़े, इन झांसों से आप निकलिए। कोई आपके, आपके बच्चों के, आपके किसी की भी आयु को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, ये आपको मेरी बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही होगी और हो सकता है आपके कानों को सुकून ना दे रही हो सकता है आपको सहारा ना दे रही हो मेरी बातें, लेकिन मैं आपको बहुत बड़े झांसे से फंसने से बचा सकता। मेरी बातों को यदि आपने समझ लिया तो बहुत बड़े झांसे से आप जरूर फंस जाएंगे, इन प्रकार के ट्रैप से आप जरूर फंस जाएंगे, जहां इमोशनल तो आप ट्रैप होने ही वाले हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियली भी जो है आप जाने वाले हैं। तो इन चीजों से बचिए, इन चीजों से बचिए, खासतौर पर जहां मुफ्त कंसल्टेशन हो रहा है। आप अपने दिमाग में ये लाइए कि मुफ्त क्यों कर रहा होगा ये व्यक्ति, कुछ तो इसको चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो कुछ तो चाहिए तो उसमें वो क्या लेगा, उसके उस पॉइंट पर जाइए। और कई बार ये होता है कि कोई ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही मुफ्त करने वाले जो है वो जालसाज होते हैं। कई बार कई ऐसे वृद्ध महान लोग होते हैं जो कई बार आपकी कुंडली ऐसी देख लेते हैं, आपको बता देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड अलग दिखता है, उनका एटीट्यूड अलग दिखता है। वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे पहला कंसल्टेशन मुफ्त, पहला आइए आइए आइए, मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो और ये टेंशन है ना अपने माथे पर, बाप रे अब ये दिखाने आएगा, अब इसका देखो। कोई भी थोड़े चाहेगा कि ऑक्यूपाइड हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर तो मुफ्त के झांसे से बचिए। यदि तो वो व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है इसने और दूसरों की कुंडलियां देखी है, इससे हमने कुंडली दिखाई, तो उसके पास जाइए, नहीं तो आप इस झांसे से बचिए। जरूरी नहीं है कि जितने मुफ्त देने वाले हैं वही इस प्रकार के झांसा करते हैं। हो सकता है कि कई लोग जिन्हें आप पे करते हैं उसके बाद भी उनके लालच बने हुए रहते हैं। तो यदि कोई मृत्यु के बारे में बात करता है और यदि कोई कहता है कि हम मृत्यु को रोक देंगे, आपके बच्चे को, आपके पति पत्नी को आज कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह कह दिया गया कि मृत्यु को हम रोक लेंगे, मृत्यु के योग है, और इस प्रकार की पूजा कर रही है, वहां उसके हाथ जोड़ लीजिए, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। नहीं तो वो आपको नंबर ब्लॉक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपको फंसाते जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल करते जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल करेगा तो आपकी नींदें उड़ जाने वाली है और बस आप परेशान हो। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें बताता हूं कि देखो भैया ऐसी मृत्यु के कोई योग नहीं है, और जब मैं उन्हें बताता हूं मृत्यु के योग नहीं, तो इतना रोते हैं मेरे सामने। वो रोते हैं मतलब एक मन को शांत करने के दृष्टिकोण से रोते हैं, एक अपनी एक सुकून भरे आंसू बहाते हैं मेरे सामने। बड़ा बुरा लगता है मुझे इस बात को देखते हुए, लेकिन क्या करें। तो इस ट्रैप से आप सभी बचिए। मेरा उद्देश्य हमेशा से आपको कहीं फंसने से बचाने का होता है, और आपकी आयु जो है बिल्कुल कम है या बस अभी इसी समय ही मृत्यु हो जाएगी, इतना तो एक्यूरेट देखना बहुत 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 डिफिकल्ट है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, मुझे पता है कि किसी की आयु, एग्जैक्ट आयु निकालने के लिए कितने दिन मुझे उसकी कुंडली देखना पड़ेगी। एक दिन में, एक घंटे में तो हो ही नहीं सकता, एक दिन में तो हो ही नहीं सकता, दो दिन में तो हो ही नहीं सकता, मुझे कई दिन लगाने पड़ेंगे, रात दिन रात दिन रात दिन, तब जाकर के मैं ये बता पाऊंगा कि इस समय पर इसकी मृत्यु होने के योग है या संकेत है, हो ही जाएगी, गारंटी देता हूं। ऐसा तो मैं भी नहीं बोल सकता, भले मैंने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, कोई भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जो मैं बात कर रहा हूं वही बात करेगा। हाँ, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर
एस्ट्रोलॉजर उन्हें बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जालसाज लोग जो कुंडली के नाम पर, धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते, वो जरूर आपको बता देंगे कि अभी जुलाई में मृत्यु होने के योग है, आप ये पूजा करें। पूजा पाठ करवाना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं, मैं खुद करवाता हूं। लेकिन डरा करके पूजा पाठ करवाना, डरा करके आपसे छीनना, आपकी रातों की नींद खराब करके आपसे पैसे छीनना, ये गलत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि 99% पूजा पाठ ऐसी होती है जो आप खुद कर सकते हैं। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं, मुझे लगता है कि 99% को तो मैंने खुद, वो खुद पूजा पाठ कर ले ऐसा ही बताया है, और ऐसा ही होता भी है। कुछ ऐसी होती है जिसमें आप खुद नहीं कर सकते, जैसे कोई मंगल नॉन मंगल कपल है, अब उनके लिए मैं कह सकता हूं कि भाई मंगलनाथ जी के मंदिर में उज्जैन में चले जाइए, मंगल भात की पूजा करवा लीजिए, अब ये हो सकता है मैं कह दूं, क्योंकि यहां पर आप दोनों, आप लोग खुद से करेंगे तो वो आपको फायदा नहीं मिलेगा जो वहां पर जाकर के आप कर लेंगे। लेकिन यहां पर मुख्यतः मृत्यु के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, नौकरी नहीं लगना, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मृत्यु हो जाएगी, अब आप इतना की पूजा करें तो मृत्यु मैं रोक लूंगा, ये तो मतलब मैं खुद भगवान हो गया फिर। तो इस बात से आपको बचना है, इस ट्रैप से आपको बचना है, जाल साजी से आपको बचना है, ये आपका एक काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।